यज्ञ हो रहा है, इसकी सूचना विश्वामित्र जी महाराज को मिली। विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम से कहा कि राम भद्र जो समीप में जनकपुर है, एक बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है धनुष यज्ञ का, चलें उसको देखें। आज भी ग्रामों में मान्यता है, जहां रामलीला होती है, धनुष यज्ञ का जिस दिन कार्यक्रम होता है, उस दिन लोग आपस में चर्चा करते हैं, आज तो लीला देखने जरूर जाएंगे क्योंकि आज धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ के प्रति आकर्षण है लोगों का, लेकिन ये आकर्षण तो राम जी ने ही पैदा किया ना, इसके पहले कहां धनुष यज्ञ था। जब मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ, भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो आकर्षण बढ़ गया, समाज के लोग उस लीला को करते। ये धनुष यज्ञ से सीता जी के विवाह का क्या तात्पर्य? विवाह यदि बेटी का करना ही है किसी को, तो उसे तीन बातों पर विचार करना पड़ेगा, घर वर और कुल। घर अच्छा हो, कुल अच्छा हो, वर अच्छा हो। लेकिन धनुष का कहां क्या लेना देना विवाह में? अच्छा, जब महाराज श्री जनक ने यह विचार किया कि धनुष यज्ञ होना चाहिए, तो उस समय श्री जानकी जी की 6 वर्ष की आयु है। तो 6 वर्ष की आयु में कोई बाप अपनी बेटी के विवाह का निर्णय लेगा क्या? लेकिन लोग कह देते हैं प्राचीन परंपरा में बाल विवाह की परंपरा थी, तो प्राचीन परंपरा में बाल विवाह होते थे, परंतु यहां बाल विवाह से कुछ लेना देना नहीं होते रहे होंगे बाल विवाह। खैर, अब तो कानूनी अपराध है, अब तो और उम्र बढ़ा दी है, पहले 18 साल का निर्धारण था, अब तो 21 कर रही है सरकार। बेटी की उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम, अभी 18 तक था मैं, लेकिन अब 21, पता नहीं आगे कितना बढ़ाते जाएंगे। चलिए व्यवस्थाएं किस प्रकार से कौन क्या सोच रहा है, 18 भी वैसे ठीक ही है, लेकिन 6 वर्ष की आयु बहुत छोटी उम्र हुआ करती। और वाल्मीकि रामायण के मत से 6 वर्ष की आयु है श्री जानकी, लेकिन महाराज श्री जनक ने ये घोषणा कर दी कि जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा, शिव धनुष तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। दूसरी बात यह है कि धनुष टूटने का संबंध भी बल से है, जो बलवान होगा वो तोड़ेगा। विवाह का संबंध पहले बल से नहीं, पहले अवस्था से है, अवस्था होनी चाहिए विवाह लायक, तभी तो विवाह होगा। मान लीजिए कोई 58 साल का बलवान हो, तो 58 साल पे कोई विवाह करेगा क्या? सोचिए जरा, और कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी का विवाह कर दे 58-60 साल के बूढ़े के साथ, भले ही पहलवान क्यों ना हो। अवस्था पर विचार करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर कलेक्टर भी कोई है 58 साल का, मान लीजिए 2 साल और से इस रह जाएंगे, 60 में रिटायर होते होंगे, लेकिन 58 साल का है, तो कौन ऐसा बाप होगा
जो अपनी बेटी के विवाह का निर्णय ले लेगा, और वो भी बेटी की अल्पावस्था। क्यों भाई? अल्पावस्था। महाराज श्री जनक जैसा ज्ञानी बुद्धिमान कौन होगा, उन जैसा महान कौन होगा? और भगवती श्री जानकी जी आदि शक्ति हैं, साधारण नहीं है। लेकिन महाराज श्री जनक 6 वर्ष की अवस्था में यह निर्णय ले रहे हैं कि मैं बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा जो धनुष तोड़ेगा। प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा ठीक से, और हम समझाएंगे भी, तो समझाने की कोशिश तो हम करेंगे और आपको संतुष्ट भी करेंगे, और समाधान निकलना चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो समस्या ही बनी रही तो फायदा क्या। लेकिन नहीं, समाधान होगा। प्यारे विश्वामित्र जी कह रहे हैं प्रभु राम से कि राम भद्रजू जनकपुर चलना है, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा सुना गया कि धनुष यज्ञ मिथिला में हो रहा है, तो हरस चले, प्रसन्न होकर के भगवान चले। इससे क्या सिद्ध हो रहा है जानते हो? भगवान इसलिए प्रसन्न है, जब आपका कार्य कहीं सफल हो रहा हो तो सुनते ही प्रसन्नता हो जाती है, सफलता बाद में मिलती है। क्यों भाई? सुनते ही पहले प्रसन्नता हो जाएगी, हो जाती है कि कार्य तो मेरा है ये, और ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। भगवान राम जानते हैं ये पूर्व नियोजित है, क्योंकि ब्रह्म ने निर्णय लिया था कि एक रूप लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा और दूसरा रूप में लेके मिथिला जाऊंगा, इसलिए ब्रह्म 2 रूपों में हुआ है। वही ब्रह्म राम बन गया, बेटा बन गया, वही ब्रह्म जाके बेटी बन गया मिथिला में। इसलिए गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय। इसलिए सीता राम अभिन्न है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। ये तो लीला करने के लिए बेटा बन गए और बेटी बन गए, ये ब्रह्म ही बेटा बन गया और ब्रह्म ही बेटी बन गया। और भैया सही बात बताऊं, सीता राम जी के विवाह का संबंध सांसारिकता से परे है, समझ रहे हो कि नहीं? यहां दैहिक संबंध नहीं है, ये तो कभी सोचना ही नहीं। जहां दैहिक संबंध होता है वहां विवाह में अवस्था पर विचार किया जाता है। क्यों भाई? किया जाता है कि नहीं? जहां दैहिक संबंध हो वहां अवस्था पर विचार किया जाता है, और जहां दैहिक संबंध से कोई लेना देना नहीं है, क्या वहां अवस्था पर विचार किया जाएगा? वहां अवस्था का कोई लेना देना नहीं, चाहे किशोरी जी 6 वर्ष की हो। अरे वो तो लीला है, क्यों भाई? है कि नहीं? वो चाहे तो कितनी भी अवस्था बना सकती हैं अपनी, चाहे जिस व्यवस्था अवस्था में आ जाएं, वो सक्षम है। यहां वहां दो बालक देखा मत ब्रह्म मोर की आन विशेखा, क्यों भाई? है दिखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड। इसलिए ये सब सोचने की बातें हैं ही नहीं। सीधी सी बात यह है कि हरस चले, प्रसन्न हो गए भगवान, वाह मेरा कार्य जिसके लिए मैं आया वही पूर्ण होने जा रहा है, प्रसन्नता आ गई, और विश्वामित्र जी महाराज के साथ चल दिए। लेकिन प्यारे जनकपुर पहुंच नहीं पाए, उसके पहले एक समस्या आ गई। वो समस्या क्या है? अहिल्या जी, अहिल्या समस्या है, वो अहिल्या की बहुत बड़ी समस्या है।
तो मिथिला तो बाद में पहुंचेंगे, पहले यहां समस्या जो सामने आ गई उसका समाधान होना चाहिए। भगवान का एक नाम है पतित पावन और अहिल्या जी पतित हैं, क्योंकि वो स्वयं कहती मैं नारी अपावन। क्यों भाई? मैं नारी अपावन, अपवित्र नारी, वो स्वयं कह रही है, हम नहीं कह रहे, ना तुलसीदास जी कह रहे, वो बयान उन्हीं का है, वर्णन कर दिया गया। अवध धाम धामाधिपति अवतार नपति राम, भगवान राम का अवतार अवध में इसलिए हुआ कि पतितों का उद्धार कैसे हो, दीनों का उद्धार कैसे हो, मलिनों का, दीनों का, पतितों का, इन सब का कल्याण करने के लिए भगवान आए हैं। माध्यम अयोध्या को बना लिया है, बोलो बनाया कि नहीं, माध्यम अयोध्या को बनाया, लेकिन उद्धार की भावना लेकर के आए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युवे युवे। असुर मार थापें सुरन राखें निज स्तुति सेतु और जग विस्तारें विशद जस राम जन्म कर हेतु। लक्ष्य तो यही है कि पतितों का उद्धार हो, पतित पावन है। इसलिए एक पतित जिसका उद्धार करने के लिए भगवान पहुंच रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था बिना संत के कल्याण होने वाला नहीं है, बिना संत के उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान भी तभी आपका कल्याण करेंगे जब आप महात्माओं की सन्निधि स्वीकार करेंगे, संतों का सत्संग स्वीकार करेंगे, तब कृपा करेंगे भगवान। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइए, संतों का संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान अप्रसन्न होने वाले हैं। जहीं दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए, यहां दरस भी हो रहा है, यहां परस भी हो रहा है, यहां समागम भी हो रहा है, ये सबका सौभाग्य मिल रहा है, आप सबको ये सौभाग्य मिल रहा है। विश्वामित्र जी महाराज की कृपा से ही अहिल्या जी का उद्धार हो रहा है। गौतम ऋषि तो श्राप दे दिए, सीधा कह दिया पत्थर की हो जा तू, हो भी गई पत्थर की। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, पूरे शरीर में उसके रोग ही रोग हो गया, रक्तस्राव होने लगा, रोम रोम। इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। किसने? गौतम ऋषि ने। ये मान तपस्वी संत हैं, साधारण नहीं। प्यारे पत्थर की है, पूरा आश्रम उजड़ा हुआ है, जितने वृक्ष थे सब सूख गए, जो पक्षी रहते थे वृक्षों पर वो पलायन कर गए। प्यारे आश्रम में उदासीनता है, उजड़ा हुआ आश्रम है। आश्रम कब उजड़ता है? जब आश्रम में वासना का प्रवेश हो जाता है तो आश्रम उजड़ जाता है। जितने आश्रम उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं, घटनाएं यही हैं उनके साथ घटी। वासनाएं जहां प्रवेश कर जाती हैं वहां आश्रम की मर्यादा नष्ट हो जाती है, आश्रम में अशांति आ जाती है, आश्रम उजड़ जाता है। इसलिए प्रयास ये करना है कि आश्रमों में ज्यादा से ज्यादा उपासनाएं हों, वासनाएं प्रवेश ही न कर पावे। और यदि कोई आश्रमधारी वासना से प्रभावित हो गया है तो उसे आश्रम छोड़ देना चाहिए, लेकिन आश्रम की प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ये उसका धर्म कहता है कि वो आश्रम छोड़ करके चला जाए, आश्रम को नष्ट न करे।
आश्रम बचे किसी तरह से। गलती तुम कर रहे हो, तुम नष्ट हो जाओ, लेकिन कम से कम किसी महापुरुष की तपस्या से आश्रम बना है, उसकी मर्यादा सुरक्षित बनी रहे। गौतम ऋषि ने वहां तपस्या की थी, बहुत बड़ी तपस्या हुई उस आश्रम में, लेकिन इंद्राया और घटना घटी, गौतम जी को कष्ट हुआ, श्राप दे दिया। लेकिन एक विशेषता है अहिल्या जी, विशेषता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भूल हो गई, देखो भैया ये शरीर गुण दोष से बना हुआ है, ये एक चैलेंज नहीं है कि इसमें गुण ही गुण है, इसमें दोष भी होंगे, और शरीर में गुण आते हैं तो दोष भी आते हैं, दोष आते गुण भी आते हैं, गुण दोष से बना हुआ है। लेकिन विशेषता ये होनी चाहिए शरीर की कि दोषों को स्वीकार कर ले कि हमारे अंदर दोष है। आजकल सबसे बड़ी विडंबना तो ये कि दोष होते भी हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। कौन कहता, कहके तो देखे कोई, बोलो, दोष भी है और चैलेंज भी कर रहे हो, गलत। स्वीकार करो नहीं दोष है, और स्वीकार करोगे तो निश्चित रूप से एहसास होगा कि हम हमारे अंदर दोष हैं, इन दोषों को हमें धीरे धीरे दूर करना चाहिए। बोलो, इन दोषों को हमें धीरे धीरे दूर करना चाहिए, भगवान देखो कितने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत वाह, अरे भाई दोष तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम दूर करने का संकल्प ले रहे हो, धीरे धीरे दूर कर रहे हो, तो बोलो जो पिछले दोष हुए हैं उनसे जो अग बना है, अगमानी पाप बना है, फिर जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे और उन दोषों को दोहराओगे नहीं, तो परमात्मा जो दोषों से अग बन गया है, पाप बन गया है, उस पाप को कृपा करके क्षमा कर देगा, दूर कर देगा, पाप से आपको मुक्ति दिला देगा, आपको क्षमा कर देगा। यह है भगवान की कृपालुता। लेकिन करके तो देखो, अकड़ते मकड़ते ऐंठते हो, पता नहीं जबरदस्ती क्यों कर रहे हो इस तरह से। अहिल्या जी ने अपने दोष स्वीकार कर लिए, समझ रहे हैं ना, कथा से शिक्षा लो। सभी से कह रहा हूं समान रूप से, क्योंकि ये मानस के जो चरित्र हैं ये प्रेरणादायी हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्रेरक प्रसंगों को जरूर सुनना चाहिए और कहने वालों को कहना भी चाहिए, प्रेरक प्रसंगों को। ये प्रेरक प्रसंग है, श्राप मिला, श्रोधारी कर लिया, बदले में श्राप नहीं दिया, नहीं तो वो भी तपस्विनी थी, ऐसी बात नहीं, वो भी श्राप दे देती, दे सकती थी, ब्रह्मा की बेटी है, तपस्या की है उसने, लेकिन श्राप नहीं दिया, मानी किसी भी प्रकार का कहीं कोई विरोध नहीं किया, सीधी सी बात, उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। माताओं ध्यान से सुनो, परिवार में रहती हो, बहुत सारे परिवारी जन हैं, तुम्हारी सास भी रहती है, तुम्हारी जिठानी रहती है, अथवा तुम जिठानी हो तो देवरानी रहती है, और भी तमाम संबंधित महिलाएं रहती हैं, आपस में गलतियां हो जाती एक दूसरे में, कोई बातचीत हो गई किसी भी प्रकार की, कहीं अगर कहीं कोई गलती है तो उसे स्वीकार करो, उस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं सास ने ही अगर कोई गलती की है तो बहू के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर ले कि नहीं बहू, गलती मुझसे हुई है, तुझसे नहीं हुई, और बहू से यदि कोई गलती हो जाए तो कह दे माताजी हमसे भूल हो गई। अगर इस प्रकार से सास बहू दोनों एक दूसरे की भूल को स्वीकार करने लग जाएं तो विवाद होगा कभी घर परिवार में, जल्दी बताओ, मेरी समझ में तो विवाद हो ही नहीं सकता है, और बड़ा बढ़िया समन्वय बना रहेगा। लेकिन भूल स्वीकार की जाए तब, मैं गुरु की भूमिका में बैठा हूं, मेरे साथ शिष्य रहते हैं, ये नहीं कह सकते गुरुजी आपने गलती की, लेकिन मुझे ही कहना चाहिए बेटा गलती मुझसे हुई है,
मुझसे गलती हुई है, गलती मैंने की है, ये अमुक कार्य किया मुझे, ऐसा नहीं, गलती हुई है। तो ईमानदारी से बताओ, शिष्य ये अपने आप में ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि हमारा गुरु कितना महान है कि हम लोगों की तो हिम्मत नहीं कहने की, लेकिन गुरुजी ने स्वयं कह दिया कि ये मुझसे भूल हुई और मैं सुधार कर रहा हूं। तो शिष्य जब भूल करेगा तो पहले सोचेगा कि जब मेरा गुरु ही अपनी गलती स्वीकार करके और उसमें सुधार कर रहा है तो हमें तो निश्चित रूप से गलती करनी ही नहीं चाहिए, वो यदि हो जाए तो सुधार जरूर करना चाहिए, फिर गुरुदेव को डांटने वाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्वयं जब गुरु स्वीकार कर ले, स्वयं स्वीकार कर, ऐसे ही पिता पुत्र के मध्य की बात है भैया। पिता का धर्म है कि पुत्र को डांटे, गलती करता है पुत्र तो डांटना चाहिए, पिता को अधिकार है, लेकिन कहीं पिता अगर गलती करे तो उसे सुधार करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, क्या तमाकू खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तमाकू के पैकेट पर लिखा भी रहता है, सिगरेट हुआ, तम्बाकू हुआ, गुटखा हुआ, उसमें संकेत बना रहता है कि नहीं कि हानिकारक, तम्बाकू हानिकारक लिखा रहता है। मैंने सुना है और देखा भी है, शायद खाया वाया तो नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं। मैं तो बहुत बचपन से साधु हो गया था, तमाम त्यागी महात्यागियों के बीच में रहा, गांजा पीते थे, हमने आज तक गांजा का धुआं तक नहीं लिया प्यार, कि धुआं कैसा होता है, समझ गए हो कि नहीं। छोटी उम्र से ये सब से भगवान ने बचाया है, मुझे बचाया है, नहीं तो ऐसे ऐसे साधुओं के बीच में रहा कि जहां पर सौ सौ चल में एक साथ चल रही है साथ, लेकिन भगवान की कृपा रही, ठाकुर जी ने बचाया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि तमाकू खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बाप की आदत है तमाकू खाने की और बेटे ने तमाकू खाई तो बाप रोकता है, तुमने तमाकू क्यों खाई, तमाकू तुम्हें खाना नहीं चाहिए। बल्कि ये कहना चाहिए, बेटा तमाकू खाके मुझे अनुभव हुआ है कि कितना हानिकारक है तमाकू, तुम मत खाना, और मैं भी आज संकल्प लेता हूं कि आज से तमाकू खाना बंद कर रहा हूं, क्योंकि तमाकू जैसा हानिकारक तो मादक पदार्थ कोई है ही नहीं, आज मैं संकल्प लेता हूं कि तमाकू नहीं खाऊंगा। तो बोलो बेटे की हिम्मत पड़ेगी तमाकू खाने की, कभी नहीं पड़ेगी, वो कहेगा कि मेरे पिता ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है कि ये मुझसे भूल हुई कि मैंने ये तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, और पीना तो पीना फिर बहुत पीने के क्रम में तमाम आते। लेकिन पुराने समय में कुछ लोग बीड़ी पीते थे तो बच्चों को देख लेते थे तो बीड़ी बंद कर देते थे, पीना बुझा देते थे, क्यों पहले, अरे कोई देख ना ले। अब तो बीड़ी बिंडल सिगरेट तम्बाकू मंगवाते हैं कि जाओ दुकान से लेके आओ, छोटे बच्चों से कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल हो रही है, स्वयं तुम नुकसान में जा रहे हो और अपनी भावी पीढ़ी को भी नुकसान से जोड़ रहे हो, बीमारियों से जोड़ रहे हो। इसलिए दोषों से बचने की कोशिश करो और यदि आ जाए तो स्वीकार कर लो और प्रार्थना करो भगवान से कि भूल हो गई। यही कार्य किया है अहिल्या जी। जैसे ही श्राप मिला तो पत्थर होने लगी, लेकिन जानती हो माताओं, बहन बेटियों, भाई बंधुओं, अहिल्या जी ने वृंदा का ध्यान किया, वृंदा का ध्यान किया, क्या कि वृंदा के साथ भी ये घटना घटी थी, लेकिन वृंदा को भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया और वही वृंदा तुलसी बनी। तो अगर मैं तुलसी की शरण में आ जाऊंगी तो निश्चित रूप से तुलसी के कारण परमात्मा जरूर आएंगे और मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए वो वृंदा की घटना को याद करते हुए
अर्थात तुलसी का स्मरण करते हुए अहिल्या जी पत्थर हुई तो उसी समय उसी पाषाण के मध्य तुलसी प्रकट हो गई, एक तुलसी का बिरवा प्रकट हो गया। बस देख लीजिए उद्धार का क्रम, तुलसी पूरा आश्रम उजड़ गया लेकिन तुलसी हरी भरी है, बड़े बड़े वृक्ष सूख गए लेकिन तुलसी हरी भरी है, क्योंकि वृक्ष पहले से थे और तुलसी श्राप के समय आई है, समझ गए ना, ये तो वृक्ष पहले ही से थे ना, गौतम ने श्राप दिया, श्राप ही में अहिल्या पत्थर की हो गई, वृक्ष सूख गए, पक्षी पलायन कर गए गौतम के श्राप के साथ, लेकिन ध्यान करते करते वो पाषाण हो रही है तुलसी का, ध्यान करते करते तो तुलसी प्रकट हो गई, एक हरा भरा बिरवा पौधा तुलसी का पाषाण के मध्य प्रकट हो गया। मैंने आपसे कहा ना हर आंगन में पहले तुलसी होती थी, हर आंगन में, हिंदू घर में तो ये कन्फर्म ही है था कि तुलसी होगी होगी, आज भी है तुलसी, लेकिन अब चूंकि आजकल नए तरीके से निर्माण हो रहे हैं भवनों के, तो उसमें तुलसी का सिस्टम, पहले आंगन के मध्य में तुलसी होती थी, अब तुलसी एक गमले में कहीं साइड में रख दी जाती है, इतना अंतर कर दिया, अब आंगन वांगन में बीच में नहीं, पहले आंगन में, क्यों, हमारे आंगन में तुलसी के प्रभाव से भगवान आएंगे, ये भाव था, हमारे आंगन में किसके प्रभाव से आएंगे भगवान, तुलसी के प्रभाव से आएंगे, इसलिए आंगन में तुलसी होती है। अहिल्या जी को भी ये एहसास है कि तुलसी मां के प्रभाव से जरूर भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, मेरा कल्याण होगा, लेकिन तुलसी मां के प्रभाव से हुआ यही। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं राम भद्रजू मिथिला तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन एक आश्रम है ये गौतम ऋषि का आश्रम, अच्छा अच्छा गौतम ऋषि का, हाँ थोड़ा सा उस आश्रम में भी प्रवेश करना है, आप तो संतों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, अब संतों का आश्रम है तो जरूर जाएंगे, भगवान राम ने कहा निश्चित जाऊंगा, निश्चित 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 चलूंगा, संतों का आश्रम है गौतम ऋषि का। जैसे ही गौतम ऋषि का आश्रम पास में आया, गोस्वामी जी कहते हैं आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम तुलसी की बड़ी महिमा, तुलसी का पौधा, तुलसी का बिरवा दिखाई दे रहा है, पत्थर की चट्टान। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, दूर से शिला देखी तो दूर से नारी की आकृति दिखाई नहीं दे रही है वो, लेकिन दूर से तुलसी का विरवा दिखाई दे रहा है, तुलसी का दर्शन हो रहा है, हरी भरी तुलसी आकर्षण है, चट्टान के प्रति आकर्षण नहीं है, शिला के प्रति आकर्षण नहीं है, तुलसी के प्रति आकर्षण है, इसलिए पूछ रहे कि ये शिला अद्भुत, पूरा आश्रम उजड़ा, बड़े बड़े वृक्ष सूख गए, लेकिन इस पत्थर के मध्य में ये तुलसी हरी भरी,
ये क्या है गुरुदेव? कहे थोड़ा आगे तो बढ़ो, हम भी देखें कि क्या है। विश्वामित्र जी बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो। और जैसे ही भगवान राम थोड़ा आगे बढ़े तो नारी की आकृति है उस पत्थर। भगवान ने कहा, अरे इस पत्थर की चट्टान में तो नारी की आकृति है, तो किसी ने आकृति बना दी क्या इस पत्थर में? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं आकृति बनाई नहीं है, ये नारी ही पत्थर की हो गई। पत्थर में नारी की आकृति नहीं है, बल्कि नारी ही पत्थर हो गई है। नारी पत्थर हो गई? हाँ। कैसे हुई? कहा गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, ये गौतम की पत्नी है। गौतम ऋषि ने श्राप, हाँ, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विषेखी। जब पूछा तो सकल कथा मुनि कही, सकल कथा मुनि कही, जब पूछा तब कही सकल कथा। जब कहने लगे अहिल्या के बारे में विश्वामित्र जी महाराज, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव जो आप सुना रहे हैं ये तो व्यथा है, ये कथा है ही नहीं। किसी के दोषों का वर्णन किया जाए तो बोलो वो व्यथा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोषों के बारे में चर्चा हो रही है तो व्यथा है, और यदि किसी के गुणों का वर्णन किया जाए तो ये कथा है। गुण कथा बना देता है, गुण से व्यक्ति की कथा बन जाती कि नहीं? राम जी में गुण ही गुण है, इसलिए कथा बन गई कि नहीं राम जी की? बोलो किसके कारण बनी राम कथा? गुणों के कारण। गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं, गुण ही गुण। संसार में केवल एक ब्रह्म ऐसा है, एक राम ऐसे हैं जिनमें गुण ही गुण हैं, अवगुण है ही नहीं। तो बोलो कथा बन गई कि नहीं? जिनमें गुण ही गुण होते हैं उनकी कथा होती है। कृष्ण भगवान कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहा है, लेकिन गुण ही गुण है भैया। अल्प बुद्धि के लोग कहने लगे वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, है? ये फालतू की बातें, समझते नहीं हो इसलिए कहते हो। अरे वो नरनाट्य है, लीला है, उसको तुम अपने से क्यों जोड़ रहे हो? परमात्मा की लीला को क्या समझ पाओगे तुम? जो उन्होंने किया है संसार में कोई कर सकता है? राम कृष्ण ने जो किया है, नृसिंह वामन परशुराम ने जो किया है, ईमानदारी से बताओ कोई कर सकता है क्या? कोई कहता परशुराम जी क्रोध, परशुराम जी को क्रोध ज्यादा आता था, वो क्रोधी थे, उन्होंने अपनी माता का मस्तक अलग कर दिया। बताइए कैसे वो महात्मा, कैसे वो परमात्मा, माँ का ही मस्तक अलग कर दिया। बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं लोग, समझते ही नहीं हो तुम लोग। अभी मैं समझाऊंगा, तुम्हारे भ्रम को दूर करूंगा, इसलिए तो आया हूं। जो परशुराम जी ने किया वो तुम कभी नहीं कर सकते हो। परशुराम भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, नृसिंह भगवान है, वामन भगवान है, ये सब भगवान है। इनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, केवल दर्शन करो। बस शंका यदि उत्पन्न हो जाए तो संतों के पास जाके समाधान लो, ये नहीं पड़ोसी की खोपड़ी खराब करो। संतों के पास जाओ, समाधान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए तो बुलाया जाता है, हड़ताल की परंपरा क्यों है कथा की? कि शंका न रहे, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा में कहीं कोई अभाव ना हो, श्रद्धा दूर ना हो जाए, सनातन हमारा जिस शिखर पर है उसका सम्मान बना रहे, गौरव बना रहे, सनातन अक्षुण्ण बना रहे,
इसीलिए प्रेरक प्रसंग सुनाए जाते हैं। सकल कथा लक्ष्मण जी की दृष्टि से यह व्यथा है, लेकिन विश्वामित्र जी कहते नहीं कथा। लक्ष्मण जी ने कहा जैसे इंद्र आया, इंद्र ने छल किया, महात्मा गौतम ने श्राप दिया, वो रोगी हो गया, ये पत्थर की हो गई, तो ये जो घटना घटी है ये व्यथा है कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा कि व्यथा पहले थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ना कथा। क्यों? जीव की व्यथा को, जीव की व्यथा को देखो, इसी को आचार्य कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं, जो जीवों को संतुष्ट कर दे, जीवों के भ्रम का निवारण कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। कहा लक्ष्मण, जीवों की व्यथा को अगर अपने कानों से परमात्मा सुनता है तो फिर वो जीव की व्यथा व्यथा ना होकर कथा बन जाती है, क्योंकि जीव की व्यथा को परमात्मा पूछ रहा है और सुन रहा है, बार बार चल के स्वयं आया है और पूछ भी रहा है वाणी से और सुन भी रहा है। तो जिस जीव की व्यथा को सुनकर के परमात्मा स्वयं चल के आया है और स्वयं पूछ रहा है, स्वयं सुन रहा है, बार बार चर्चा कर रहा है अहिल्या के बारे में, तो विश्वामित्र ने कहा कि अब अहिल्या की व्यथा नहीं है, अब तो अहिल्या की कथा हो गई। व्यथा नहीं कहा जाएगा, कथा। लक्ष्मण जी ने कहा हां अब तो समझ में आ रहा है कि कथा अब हुई है। कथा कहा? अभी तो हुई कथा, अभी अभी हुई कथा, पहले तो व्यथा ही थी। लेकिन कथा सुनने के बाद चैतन्यता आ जाती है, परंतु ये तो जड़ाईवत है, तो कैसे माना जाए कि इसकी कथा? भाई जिस जीव की, जिस जीव पर दृष्टि परमात्मा कर रहा हो और जिसके बारे में वाणी से पूछ रहा हो और जिसकी चर्चा कानों से सुन रहा हो, उसमें जड़ता रहेगी कि चैतन्यता रहेगी? जल्दी बोलो, चैतन्यता रहेगी, चैतन्य हो वो तो, ये तो जड़ा ही है, असर तो कुछ हुआ नहीं, चैतन्य क्यों नहीं है, चैतन्यता क्यों नहीं आई? का लक्ष्मण, तुम इस मर्म को नहीं जानते हो, चैतन्यता आएगी, लेकिन धैर्य धारण करो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा धैर्य धारण करो, सब कुछ होगा, तुम्हारे सामने होगा, देखते देखते होगा। देखो भगवान राम तो गंभीर हैं, देखो लक्ष्मण जी वीर हैं और राम जी वीर भी हैं और गंभीर भी हैं, यही विशेषता है। लक्ष्मण जी वीर ही वीर हैं, गंभीर नहीं है, हाँ बोलना शुरू कर देते हैं, और राम जी वीर भी हैं लेकिन गंभीर भी हैं, बोलो यही विशेषता भगवान राम की। भगवान राम तो गंभीर हैं इसलिए खड़े हैं। अब प्यारे विश्वामित्र जी फिर कहते हैं, हे राम कृपा करो, कृपा करोगे तो इसकी जड़ता दूर हो जाएगी। भगवान राम ने कहा गुरुजी कृपा नहीं हुई, एक घंटे से देख रहा हूं, पूछ रहा हूं, ये कृपा ही तो है? कह नहीं, कृपा तो है लेकिन वो कृपा नहीं है कि जिसमें चैतन्यता आ जाए, जड़ता समाप्त हो जाए। कहे वो कृपा नहीं है जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, ये समर्थ भगवान में है। तो कहा है तो सामर्थ आप में, तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, ये सामर्थ है, लेकिन फिर ऐसा सामर्थवान व्यक्तित्व सामने खड़ा हुआ है लेकिन जड़ता दूर क्यों नहीं हो रही है? कह राम जी एक काम करो, दूर से ही आप कर रहे, थोड़ा स्पर्श करो। कैसे? गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल, थोड़ा चरण रख दो, बस चरण आप रखोगे तो निश्चित रूप से इसकी जड़ता दूर हो जाएगी, इसमें चैतन्यता आ जाएगी चरण रखने से।
भगवान का दृष्टिपात जिस पर हो जाए उसमें चैतन्यता आ जाती है। दृष्टिपात से नहीं आ रही चैतन्यता, लेकिन चरण रखा जाए तब चैतन्यता आएगी। तो चरण थोड़ा रखिए ना। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव ये ऋषि पत्नी है इसलिए इसके ऊपर चरण मैं कैसे रखूं, क्योंकि मेरा जन्म तो रघुवंश में हुआ है ना, क्षत्रिय वंश में, और क्षत्रियों के यहां की परंपरा है, हमारे रघुवंश की, इक्ष्वाकु वंश की ये परंपरा है कि ऋषि मुनि महात्माओं के चरण छुए जाते हैं, उन पर चरण रखे नहीं जाते। ये तो आप मानते हैं कि ऋषि पत्नी है। हाँ, ये ऋषि पत्नी तो है, तो मैं चरण कैसे रख दूं? विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं भी इस बात को जानता हूं कि तुम ब्रह्म हो। क्या हो? ब्रह्म हो। और दशरथ भी इस बात को जानते हैं, जाकर नाम सुनत सो होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, आप ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती है। बोलो भाई, ब्रह्म की कोई जाति है? जरा बताओ, ब्रह्म की कोई जाति नहीं। ये तो आपकी लीला है, आप कर रहे हैं, लेकिन यहां तो आप वास्तविकता पर आ जाइए। क्योंकि जब किसी जीव का उद्धार करना होता है तो वास्तविकता ही उद्धार कराती है। बोलो भाई, वास्तविकता के माध्यम से ही उद्धार होता है कि नहीं होता है? जीव में भी वास्तविकता होनी चाहिए और ब्रह्म का भी वास्तविक स्वरूप प्रकट होना चाहिए। इसलिए आप सब जानते हैं कि संसार के लोग मीरा जी पर आक्षेप लगाने लगे थे। बोलो, लगाने लगे थे कि नहीं? यहां तक लिखा, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु संतों के पास बैठती थी, पता नहीं लोग क्या क्या कहने लगते थे। भगवान को अपना पति मानती थी, लोग जाने क्या क्या टिप्पणी करने लगते थे। लेकिन जब वास्तविकता आई मीरा के जीवन में, भगवान के जीवन में, कि अंत समय भगवान के हृदय में सदेह प्रकट हो, सदेह प्रवेश कर गई, तो ईमानदारी से बताओ, ये सारी चर्चाएं अपने आप बंद हो गई कि नहीं हो गई? मीरा सदेह भगवान द्वारिकाधीश के हृदय में प्रवेश कर गई। बोलो, कर गई कि नहीं मीरा? अब कल्पना करिए, वास्तविकता है कि नहीं? क्या ये अभिनय और लीला से हो सकता था? ये संभव था? ये वास्तविकता है। और अगर लीला में प्रवेश करती मीरा तो लीला फैल हो जाती कन्हैया की कि नहीं हो जाती? कोई सदैव किसी के हृदय में जा सकता है सामान्य स्थिति में? क्षमता ही नहीं है। लेकिन नहीं नहीं भैया, वो वास्तविकता थी, वो तो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है। उसमें एक मीरा क्या, ना जाने कितने भक्त भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे है? तो सीधी सी बात यह है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि यहां आप ब्रह्म हैं, आप वास्तविकता का परिचय दीजिए। आप ये मत कहिए मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे चर पैर रख सकता हूं? आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही उद्धार कर सकता है। ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो ब्रह्म चिंतन ही तो करते हैं। बोलो, किसका चिंतन करते हैं? ब्रह्म का चिंतन करते हैं। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा, ब्रह्म चिंतन करते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं। आपके श्री चरण में पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप वसे जिन माही। बोलो भाई, मुनि मन मधुप वसे जिन माही। हम सभी महात्मा, बड़े बड़े महात्मा तपस्वी आपके श्री चरण में ही रहते और ये सोचते रहते कि थोड़ी सी जगह चरण में मिल जाए। बोलो भैया, इसलिए तप कर रहे कि नहीं? भगवान के चरण में थोड़ी सी जगह मिल जाए, रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए भगवान के चरण में, तो कल्याण हो जावे। इसलिए पद राजीव वरण नहीं जाही, मुनि मन मधुप वसे जिन माही।
तो आप कृपा करके ये ऋषि पत्नी है थोड़ा सा चरण दे दीजिए, क्योंकि मुनि मन मधुप बसे जिन माही, अगर आपके चरण में थोड़ी सी जगह इस अहिल्या को मिल जाएगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, मन ही मन भगवान मुस्कुराने लगे, कहा गुरुदेव आप कह रहे हैं तो मैं चरण रखता हूं। इसलिए गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर चरण कमल, थोड़ी कृपा करिए। भगवान ने जैसे ही चरण रखा ना हिली ना डुली ना बोली, भगवान ने कहा आपने कहा था मैंने रख दिया चरण, वो तो जैसी की तैसी। विश्वामित्र जी ने कहा अभी भी कहीं ना कहीं वास्तविकता में कमी है, कमी है। अब वो तो जड़वत है, ये तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु आप अपना वास्तविक स्वरूप और वास्तविक कृपा जिससे जड़ता दूर होनी है, क्योंकि जिस प्रकार का अग होता है, जैसा अग होता है वैसा ही उद्धार का तरीका परमात्मा के पास होता है। क्यों होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए कैंसर की बीमारी है और इलाज इस